से भागो, स्पीड से भागो, भागो 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 भागो। भाइयों और उनकी बहनों, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। और आज हम जा रहे हैं हिमाचल में बसी एक नगरी, एशियाज लार्जेस्ट पैराग्लाइडिंग पॉइंट बीर बिलिंग। वेलकम बैक गाइस टू द चैनल। बहुत ही टाइम बाद हम आ गए वापस, और राइट नाउ आई एम ट्रैवलिंग इन बीर बिलिंग। अभी वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द लोकल एरियाज ऑफ बीर, यहाँ के कैफेज वगैरह और फूड, एंड ऑब्वियसली आई विल कीप यू गाइस इनफॉर्म्ड अबाउट एवरीथिंग। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज ऑलमोस्ट एक साल के बाद हम वापस आए हैं, तो कुछ नया, कुछ इनोवेटिव, कुछ डिफरेंट करते हैं और लेट्स गो। तो अभी वी आर ऑन रूट टू द गढ़ माता और महेश्वरी माता मंदिर ट्रैक। लगभग एक घंटे का ट्रैक है, तो अभी हम इसको कैरी ऑन करेंगे। और व्यूज़ बहुत ऑसम है, ऑब्वियसली मेरे फेवरेट सिनेमैटिक्स। स्टार्टिंग नाउ। ऑलमोस्ट 30-45 minutes का ट्रैक है, बिगिनर लेवल है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जो व्यूज़ हैं उसके लिए आपको इतना तो चलना ही पड़ेगा। तो आई जस्ट शो यू द व्यूज़। तो फॉर कंटेक्स्ट, अगर तुम वहाँ देखोगे ना, यहाँ पे कहीं पे रोड है जहाँ से हम चलते हुए आए हैं, ये पूरा फॉरेस्ट से ऊपर चढ़ के सिनेमैटिक बीरोल तो तुम लोगों ने देख ही लिया होगा। ये पूरा चल के ऊपर हम मंदिर आए हैं, मंदिर दर्शन किए हैं, एंड मंदिर का जो टेरेस है वहाँ से जो ये व्यू है। सनसेट था। अब टाइम है कि कुछ खाया पिया जाए, बहुत भूख लग रही है। लेट्स गो टू जून 16 कैफे। We'll be right back.
सो द हाईलाइट ऑफ द नेक्स्ट डे वॉज ऑब्वियसली पैराग्लाइडिंग। और पैराग्लाइडिंग के ऊपर एक मैंने बहुत ही होलसम सी छोटी सी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने अपने थॉट्स शेयर किए हैं कि मुझे वहाँ ऊपर कैसा लगा, तो वो मैं आई बटन में डाल रहा हूँ और आप जाके वो चेकआउट कर सकते हैं। और अभी यहीं से कहीं से हमें छलांग मारने के लिए बोल देंगे, तो लेट्स सी कैसा जाता है। बहुत बढ़िया। थोड़ी भूख लग रही है, चलो कुछ खा लेते हैं। लेट्स गो टू सिल्वर लाइनिंग्स कैफे। खाने पीने के बाद हम आ चुके हैं लैंडिंग साइट पे। यहाँ होने वाला एक बहुत ही सुंदर सनसेट और साथ में हम देखेंगे ग्लाइडर्स को यहाँ लैंड करते हुए। बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं, इंजॉय करो। अभी पेट में फिर से जगह बना लो, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू ग्लाइडर्स पिज़्ज़ेरिया। Review the entire trip once again. Paragliding was obviously a 5 out of 5 experience. I did it with a company called Winged Up Paragliding aur bahut hi acha experience raha. I'll give you their number and their Instagram link in the description so you can contact them whenever you are coming to Bir and book your next paragliding session with them. Agar aap Bir aa rahe ho to aapko khane ko leke koi bhi problem nahi aayegi. Aapko har jagah bahut hi acha aur bahut hi homemade vibe wala aur bahut hi डिसेंट खाना और अच्छे टेस्ट वाला खाना मिल जाएगा। तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू बीर, टेक एट लीस्ट 2 nights and 3 days विद यू। और यहाँ पे मेन तो ऑब्वियसली पैराग्लाइडिंग एंड अदर देन दैट देर आर लॉट ऑफ कैफेज टू एक्सप्लोर, ट्रैक्स हैं जो मैंने इस ब्लॉग में कवर किए हैं।
और यहाँ की जो वाइब है इतनी ज़्यादा पीसफुल है और इतनी ज़्यादा यहाँ की एयर क्वालिटी इतनी ज़्यादा प्योर है कि आप यहाँ पे बहुत इजीली 2-3 घंटे आराम से नेचर में ही बैठ के इंजॉय कर सकते हो। देर आर ऑल्सो 3 वेरी 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 ब्यूटिफुल मोनेस्ट्रीज जो कोविड के कारण अभी बंद है फॉर टूरिस्ट, तो हमने राइड ज़रूर की थी वहाँ तक टू इन्जॉय दी रोड्स ऑफ हिमाचल। लेकिन अगर आप उन मोनेस्ट्रीज़ को भी इन्जॉय करना चाहते हो और वो मोनेस्ट्रीज़ भी देखना चाहते हो, देन आई वुड रिकमेंड कि आप एक दिन और लेके जाओ। बट प्लीज़ बी श्योर कि आप आने से पहले चेक ज़रूर कर रहे हो कि द सिचुएशन इज़ नॉर्मल एंड ऑल द मोनेस्ट्रीज़ आर ओपन आफ्टर दिस एंटायर पैंडमिक, इट्स नॉर्मल ऑब्वियसली। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।